हेलो स्टूडेंट, मैं विनीत कुमार। मैं आज आपको ग्रुप टेक्नोलॉजी का टॉपिक पार्ट क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पार्ट फैमिली का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, पार्ट फैमिली फॉर्मेशन क्या करते हैं, कैसे करते हैं, जैसे हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेड होता है कि हम ग्रुपिंग कैसे करें पार्ट्स की उनकी फैमिलीज में। तो इसके लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं। नंबर फर्स्ट इन विजुअल इंस्पेक्शन एंड सेकेंड वन इज पार्ट्स क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग एंड थर्ड वन इज प्रोडक्शन फ्लो एनालिसिस। ऑल द थ्री मेथड्स आर टाइम कंज्यूमिंग एंड इन्वॉल्व द एनालाइज ऑफ मच डाटा बाय प्रॉपरली ट्रेन पर्सनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं विजुअल इंस्पेक्शन की। या नाम से पता पड़ रहा है कि इसमें हम देखकर ही इंस्पेक्ट करके बताते हैं शेप एंड साइज के बेस पे कि और बार्ड फैमिलीज में हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं। दिस मेथड इज द लीस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड। इसमें हम फिजिकली पार्ट्स एंड देयर फोटोग्राफ्स के बेस पे हमको को देखकर उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। दिस मेथड इज जनरली कंसीडर्ड द लीस्ट एक्यूरेट फॉर थ्री। इसकी चूंकि एक्यूरेसी भी काफी कम होती है क्योंकि हम इसको जनरली एक सेप के बेस पे काम करते हैं, लेकिन ये मेथड काफी फास्ट और सिंपल होता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ कुछ वर्क भी पार्ट्स रखे हैं ग्रुपिंग से पहले। अगर हम उनको देखें कि हमने जो सेप के अकॉर्डिंग हमने कुछ अलग से पीस कर लिए, हमारा पार्ट फैमिली फर्स्ट, पार्ट फैमिली टू, इसमें हमने फर्स्ट में हमने ट्राइंगल बेस पे ले लिए एंड रेक्टेंगुलर बेस में, और बार फेस बेस पे हमने पार्ट फैमिली सेकंड में ले लिए, और सर्कुलर हमने थ्री में ले लिए एंड पेंटागोन फॉर्म में हमने फोर में ले लिए। तो ये देख के हमने क्लासिफिकेशन कर दिया। एक बात करते हैं पार्ट क्लासिफिकेशन कोडिंग। दिस मेथड इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग इन थ्री मेथड्स, द पार्ट क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग। कोडिंग के अकॉर्डिंग हम पार्ट का क्लासिफिकेशन करते हैं। सिमिलर अमंग द पार्ट आइडेंटिफाई द दीज सिमिलरिटीज आर रिलेटेड टू कोडिंग सिस्टम। इसमें हम एक कोडिंग सिस्टम प्रिपेयर करते हैं। कोडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग हम किसी भी पार्ट्स को क्लासिफाई करते हैं कि किस मेटेरियल से बना है, इसका साइज क्या है, इसमें कौन कौन से मेटेरियल यूज किए गए हैं, का स्टैंडर्ड क्या है। रीजन फॉर यूजिंग कोडिंग सिस्टम, कोडिंग स्कीम, इसको यूज करने का रीजन क्या है कि कोडिंग सिस्टम को यूज करने का, कि इसमें एक तो हम डिजाइन शेप में की कोडिंग के अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं इसकी डिजाइन कैसी है, और क्योंकि डिफरेंट कई कई बार हमको सिमिलर डिजाइन लगती है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल पर डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन होती हैं। और दूसरा इनका मशीनिंग सेल डिजाइन, कि इस पर कौन सा मशीनिंग ऑपरेशन किया गया है उसके अकॉर्डिंग हम आराम से क्लासीफाई कर सकते हैं, इसलिए हम कोडिंग सिस्टम यूज करते हैं। अब यहाँ पर भी हम दो प्रकार से कोडिंग कर सकते हैं। देयर टू कैटेगरीज ऑफ पार्ट सिमिलरिटीज कैन बी डिस्टिंग्विश, एक डिजाइन एट्रीब्यूट एंड दूसरा मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट। डिजाइन बिट्स में हमको पता है उनके ज्योमेट्री साइज और साइज, ज्योमेट्री शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग और उनके मटेरियल्स के अकॉर्डिंग कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है। एंड सेकंड वन इज मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स, इसमें हम प्रोसेसिंग स्टेप्स जो होते हैं जो हमको रिक्वायर होते हैं उनको पार्ट्स को बनाने के लिए, जितने भी हम प्रोसेस यूज करते हैं उनको हम इसमें कंसर्न करते हैं। लाइक हमने टर्निंग की है, फेसिंग की है, क्वेंचिंग की है, ड्रिलिंग की है, वॉट एवर, उन प्रोसेस को हम कंसर्न इसमें कर सकते हैं, करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स में। पार्ट डिजाइन में जो हम एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं उसमें हमारा इंटरनल शेप, बेसिक इंटरनल शेप, बेसिक एक्सटर्नल शेप, उनका रेक्टेंगुलर शेप, उनकी लेंथ, जिसमें लेंथ और लेंथ डायमीटर रेशो, एक्चुअली हम कोड में लेंथ टू डायमीटर रेशो यूज किया करते हैं, उनका एस्पेक्ट रेशो यानी कि रेक्टेंगुलर पार्ट्स का रेशो, मटेरियल का टाइप कौन सा है, पार्ट फंक्शन कौन सा है, मेजर डायमेंशंस, माइनर डायमेंशंस एंड टॉलरेंस और सरफेस फिनिशिंग, ये सब उनके कोड में यूज करते हैं। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ द पार्ट्स क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग। दे आर थ्री कैटेगरी, आई मीन को हमने जो पार्ट्स क्लासिफिकेशन सिस्टम को हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नंबर फर्स्ट इज सिस्टम बेस्ड ऑन पार्ट डिजाइन एट्रीब्यूट्स, पार्ट की डिजाइन के बेस पे हम उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। सेकंड इज सिस्टम बेस्ड ऑन पार्ट मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स एंड थर्ड वन इज सिस्टम बेस्ड ऑन बोथ डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स। दैट मीन्स हम कोडिंग जो करते हैं एक तो डिजाइन बेस पे करेंगे, नंबर सेकंड वाइज इज जो मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स उनके बेसिस पे करेंगे, और थर्ड हम दोनों के बेसिस पे करेंगे। कोडिंग के लिए हम क्या करेंगे, इन टर्म्स मीनिंग ऑफ सिंबल्स ऑफ एंड इन कोड दे आर थ्री स्ट्रक्चर्स यूज्ड इन द क्लासिफिकेशन कोडिंग स्कीम। नंबर फर्स्ट इज हायरार्किकल स्ट्रक्चर और मोनोकोड, नंबर सेकंड इज चेन टाइप्स स्ट्रक्चर और पॉलीकोड, एंड नंबर थर्ड इज हाइब्रिड और मिक्सड। जैसे कि हमने बात किया कि डिजाइन बेस्ड में हमारा मोनोकोड हो सकता है एंड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में हमारा चेन और पॉलीकोड हो सकता है, होता है, एंड जो मिक्सड और हाइब्रिड हम यूज करते हैं वो हम थर्ड जो हमने मेथड बताया था जिसमें हम डिजाइन एट्रीब्यूट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स दोनों यूज करते हैं। हायरार्किकल स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज मोनोकोड इन विच इंटरप्रेट्स द ईच सक्सेसिव सिंबल्स डिपेंड द वैल्यू ऑफ प्रीसीडिंग सिंबल्स।
हर एक सिंबल्स अपने पहले वाले सिंबल्स को डिफाइन कर रहा होता है. इन दिस टाइप ऑफ कोड मीनिंग द ईच ऑफ करेक्टर डिपेंड ऑन द मीनिंग ऑफ द प्रीवियस करेक्टर, यानी कि जो नेक्स्ट करेक्टर होगा वो प्रीवियस करेक्टर को डिफाइन कर रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि सबसे पहले अगर कोई हम करेक्टर यूज करेंगे कि उसका सेप कितना है, फिर अगला करेक्टर उसके सेप के साइज को डिफाइन करेगा. एंड दिस टाइप ऑफ कोड पर्टिकुलरली परफॉर्म द डिजाइन डिपार्टमेंट. ये डिजाइनिंग में क्या आता है, फॉर द पार्ट रिट्रेवल, बिकॉज इट्स टाइप ऑफ सिस्टम इज वेरी इफेक्टिव फॉर द कैप्चरिंग सेप मटेरियल एंड साइज इंफॉर्मेशन. यहां पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे ये हम कोड बना रहे हैं 3 to x. सबसे पहले हमने 3 to लिया किसी वर्कपीस के लिए. हम देख रहे हैं कि वो मैकेनिकल है तो 1 यूज करेंगे, हाइड्रोलिक है तो 2 यूज करेंगे, इलेक्ट्रिकल है 3 यूज करेंगे. उसके बाद ये हमारा जो 1 है वो डिफाइन कर रहा है कि 32 किसी पर्टिकुलर वर्कपीस को एक्सप्लेन कर रहा है. उसके बाद अब उनके ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग हमने 1, 2, 3 कोड दे दिए. अब नेक्स्ट हम डालेंगे कि अगर हमारा मैकेनिकल में रोटेशनल है तो फिर 1 यूज करेंगे, प्रिज्मेटिक है तो 2 यूज करेंगे. एंड सिमिलरली इलेक्ट्रिकल में है अगर पावर से पावर यूज कर रहे हैं या फिर पावर ट्रांसमिशन यूज कर रहे हैं तो हम 1 यूज करेंगे, ट्रांसमिशन के लिए 2 यूज करेंगे, रिसीविंग के लिए 3 यूज करेंगे. तो इस तरीके से हम देखेंगे कि 3 1 वाला 3 से कनेक्ट है तो 3 इलेक्ट्रिकल को डिफाइन कर रहा है. हैंस हम देखेंगे कि नेक्स्ट करेक्टर हमारा जो प्रिसीडिंग करेक्टर है उसको डिफाइन कर रहा है. सेकेंड टाइप हमारा चेन टाइप स्ट्रक्चर, ऑल्सो नोन एज पॉलीकोड, इन विच द इंटरप्रिटेशन ई ऑफ ईच सिंबल इन द सीक्वेंस इज ऑलवेज द सेम. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ प्रीसीडिंग सिंबल. मतलब इसमें हर एक करेक्टर की अपनी खुद की वैल्यू होती है, वो दूसरे पर डिपेंड नहीं करता. द मीनिंग ऑफ ईच करेक्टर इज द पॉलीकोड इंडिपेंडेंट टू ऑल अदर डिजिट्स. ईच डिजिट इज यूज्ड टू कंप्लीटली क्लासिफाई सम फीचर्स. हर एक डिजिट के कोड को किसी न किसी फीचर को एक्सप्लेन कर रही होती है. इट इज इजी टू लर्न एंड यूजफुल इन मैन्युफैक्चरिंग सिचुएशन वेयर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैव टू डिस्क्राइब. द लेंथ ऑफ पॉलीकोड मे बी बिकम एक्सेसिव बिकॉज इट्स अल्टीमेट कॉम्बिनेशन फीचर्स. नेक्स्ट इज मिक्स कोड स्ट्रक्चर इन विच हाइब्रिड ऑफ टू प्रीवियस कोडिंग स्कीम्स. द मिक्स कोड स्ट्रक्चर यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ हायरिकल एंड चेन टाइप. दोनों को मिला देते हैं, हायरिकल एंड चेन टाइप को. तो दैट मीन्स उसमें हम मोनोकोड एंड पॉलीकोड दोनों यूज कर सकते हैं. इट इज ऑल मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर फाउंड इन ग्रुप टाइपोलॉजी पार्ट्स क्लासिफिकेशन कोडिंग सिस्टम. सबसे ज्यादा यूज किया जाता है. कोडिंग स्कीम दैट कंटेन ओनली डिजाइन डाटा रिक्वायर्स फ्यूअर डिजिट, परहैप्स 12 और फ्यूअर. कई बार हम क्या करते हैं 9 डिजिट और 12 डिजिट यूज करते हैं. मोस्ट मॉडर्न क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग सिस्टम इंक्लूड बोथ डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग डाटा एंड यूजुअली रिक्वायर 20 to 30 डिजिट. दिस माइट सीम्स लाइक टू बी मेनी डिजिट और ह्यूमन रीडर टू इजिली कंप्रेंड, बट मोस्ट ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग द कोड्स कंप्राइज बाई कंप्यूटर. जैसे कि अगर हम बात करें बार कोड टाइप की, तो हमारे जो कंप्यूटर्स के थ्रू ही रीड किया सकते हैं, क्योंकि अगर हमको सारे कोड्स पता होंगे तो काफी इजिली होते हैं ह्यूमन्स को समझने के लिए. ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं कि जो जिससे हम कोडिंग सिस्टम्स को जो कि कोडिंग सिस्टम्स हैं और उनको डेवलप करने वाले कंट्री भी हैं, कि जैसे हम मोस्टली यूज करते हैं ऑप्टिज, जो कि बेस्ट जर्मनी में इंट्रोड्यूस की गई थी, डेवलप की गई थी. उसके बाद हमारा ब्रिसिस है, वॉशो है, ये अलग अलग हमारी कैटेगरीज हैं. डी क्लास है जो यूएसए में है, KK3, ये कोडिंग सिस्टम्स हैं कुछ जो अलग अलग कंट्रीज में डिजाइन की गई. और मैं बताया कि जैसे हमारा ऑप्टिज है, ऑप्टिज वेस्ट जर्मनी में यूज किया गया, उसमें 9 डिजिट्स होते हैं. KK3 जापान में, उसमें 20 डिजिट होते हैं. डी क्लास यूएसए में, उसमें 8 डिजिट होते हैं. तो हर एक सिस्टम के अकॉर्डिंग उनमें अलग अलग डिजिट्स, अलग अलग नंबर्स ऑफ डिजिट्स होते हैं डिजाइन को एक्सप्लेन करने के लिए. तो हम बात करते हैं ऑप्टिज सिस्टम की, जो कि मोस्टली यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा जर्मनी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था. ऑप्टिज पार्ट्स क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग सिस्टम, दिस इज द मोस्ट कॉमनली एंड वाइडली यूज्ड कोडिंग सिस्टम. इसको डेवलप किया था एच ऑप्टिज ने, जो कि जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ एसन में से बिलोंग करते हैं. इट इज जनरली 9 डिजिट्स, इसमें 9 डिजिट होती है, जिसमें 5 हमारी प्राइमरी डिजिट होती है, बाकी के 4 हमारी सेकेंडरी कोड्स होते हैं. इट डिपेंड ऑन द वन पायनियरिंग एफर्ट ऑफ ग्रुप टेक्नोलॉजी एंड प्रोबेबली बेस्ट नोन if not most frequently used of the parts classification coding system. It is intended the machine parts. Optis coding system में हमने यहाँ पे example दे रखा है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो हमने ये हमारी 9 डिजिट होगी, जिसमें हमारी जो 5 स्टार्टिंग की 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट है वो हमारी प्राइमरी डिजिट, प्राइमरी कोड कहे जाते हैं, और लास्ट के जो 4 हैं वो हमारे सेकेंडरी कोड के जाते हैं. उसके बाद हमारे 4 कोड्स और हम यूज कर सकते हैं, 4 करेक्टर्स और यूज कर सकते हैं. ABCD भी हो सकता है, वो नंबर्स भी हो सकते हैं या करेक्टर भी हो सकते हैं. उनको हम बाद में हमने ऐड किया है, उनको अलग क्लासिफिकेशन को यूज करने के लिए.
ऑप्टिक्स में हम देखें तो बेसिकली हमारे 9 कोर्ड्स होते हैं विच कैन बी एक्सटेंडेड बाय द एडिंग 4 मोर डिजिट्स। जैसे हमें बताया जो हमने अभी हमने लास्ट देखा कि ABCD हमने 4 अलग से 4 डिजिट ऐड किए। द फर्स्ट 9 आर इंटेंडेड द कन्वे बोथ डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द फर्स्ट 9 डिजिट इज डिफाइंड बाय इन फिगर 5। यानी कि फर्स्ट 5 डिजिट वो इंटरप्रिटेशन कोड शो करते हैं 9 में से। द फर्स्ट 5 डिजिट 1 2 3 4 5 आर कॉल्ड फॉर्म कोड। दिस डिस्क्राइब द प्राइमरी डिजाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ द पार्ट such as actional shape and the machine features। उसमें जो machine features यूज रखे हैं thread है gear teeth है या hole हो रखे हैं जो भी हो रखे whatever। The next 4 digits 6, 7, 8 जिनको हम secondary codes भी बोलते हैं constitute the supplementary codes which indicates the extra 4 digits ABCD are preferred to secondary code are intended to identify the production operation type of sequence। The secondary code can be designed by the user firm to serve our own particular needs। So, firm अपने particular needs के according उनको change करती है। तो last के 9 digits से अलग जो हम 4 digits use करते हैं उनको firm अपने according particular need के according change करती रहती है। यहाँ पे हम एक diagram के through समझ सकते हैं operating system code को कि जो फॉर्म कोड है 1 2 3 4 5 वो पार्ट ज्योमेट्री और फीचर्स रिप्रेजेंट पार्ट डिजाइन के लिए हैं और सप्लीमेंट्री कोड्स हैं 6, 7, 8, 9 वो इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट द मैन्युफैक्चरिंग पॉलीकोड्स में मतलब कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज हुए हैं एंड सेकेंडरी वो प्रोडक्शन प्रोसेस और प्रोडक्शन सीक्वेंसेस को भी डिफाइन करते हैं। हम इस डायग्राम को देखें तो इसके अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि डिजिट फर्स्ट जो है हमारी वो किसको शो करती है पार्ट क्लास को। पार्ट क्लास दैट मीन्स हमारा जो लेंथ और डायमीटर उनका रेशो एंड सेकेंड इज द मेन शेप कि हमारा शेप मेन शेप का टाइप कैसा है। उसके बाद हमारा रोटेशनल मीनिंग मशीनिंग एंड उसके बाद प्लेन सरफेस मशीनिंग एंड फिफ्थ डिजिट हमारी एडिशनल होल टीथ एंड फॉर्मिंग को एक्सप्लेन करता है और जो सिक्स डिजिट होती है हमारी तो लास्ट की 4 डिजिट में वो हमारे डायमेंशंस को शो करती है। सेवंथ हमारी मटेरियल को एंड 8th डिजिट हमारी ओरिजिनल शेप को डिफाइन करता है और 9th डिजिट हमारी एक्यूरेसी को शो करती है। तो इस तरीके से हमारे 9 डिजिट हर एक फीचर्स को शो करते हैं हर एक डिजिट हर एक फीचर्स को शो करती है। देखिए इसको एक एग्जांपल की तरह समझ सकते हैं कि हमारे पास ये कोई डिजाइन है तो इस डिजाइन में अगर हम देखें तो हमारा जो डाया है वो हमारा 1 है और जो हमारा फुल लेंथ है पूरे पार्ट की तो 1.5 है और ये हमारे इसमें नंबर ऑफ टीथ हैं नंबर ऑफ होल तो हमारा 1 ही दिख रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम कोड देंगे तो किस प्रकार कोड देंगे कि जो हमारे जो अभी जो हमने फिगर देखी है उसमें हमारे देखें तो लेंथ टू डायमीटर रेशो एल अपॉन टी तो 1.5 आ रहा है क्योंकि 1.5 इसकी लेंथ थी और डायमीटर उसका 1 था तो उसके लिए हम डिजिट यूज करेंगे 1। एंड एक्सटर्नल जो शेप थी हमारी विद स्क्रू है थ्रेड उसके लिए हम डिजिट यूज करेंगे 5। एंड इंटरनल शेप के लिए हम यूज करेंगे क्योंकि उसमें होल हो रखा है तो हम 1 यूज करेंगे। एंड प्लेन सरफेस मशीनिंग है नहीं तो उसकी जो चीज नहीं है उसके लिए हम 0 शो करेंगे। ना ही हमारा उसमें कोई ऑक्सिलरी होल है ना गियर टीथ है तो वो भी नहीं है तो उसके लिए हम 0 करेंगे। तो हैंस हमारा कोड जो बनेगा 15100। तो ये हमारा कोडिंग सिस्टम होता है पार्ट फैमिलीज में इस तरीके से हम कोड करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक ग्रुप टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है पार्ट क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग सिस्टम। तो ये हमने इसमें इस तरीके से कोडिंग की। थैंक यू।